नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोलस्काई में आपका स्वागत है। गाजर को सर्दियों का सुपर फूड कहा जाता है। गाजर कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ये आँखों और दिल के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा गाजर शरीर से कई तरह की बीमारियों को दूर करता है। गाजर बीटा कैरोटीन का अच्छा स्रोत होता है, जो शरीर में विटामिन ए बनाने का काम करता है। लेकिन एक नई स्टडी में दावा किया गया है कि गाजर खाने का फायदा हर किसी को नहीं मिलता है। ये स्टडी अमेरिका के इलोनोइस यूनिवर्सिटी के खाद्य विज्ञान और न्यूट्रिशन विभाग ने की है। ये स्टडी इंसानों और चूहों पर की गई है। इससे पता चलता है कि गाजर में मौजूद बीटा कैरोटीन विटामिन ए में बदलकर बैड कोलेस्ट्रॉल का काम करता है। बीटा कैरोटीन एथेरोस्क्लेरोसिस से भी बचाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से धमनियों में वसा और कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है और इसकी वजह से किसी की भी मौत हो सकती है। बता दें, जिन लोगों के शरीर में विटामिन ए की कम मात्रा बनी, उन लोगों के शरीर में कोलेस्ट्रॉल स्तर ज़्यादा था। इन नतीजों के आधार पर दूसरी स्टडी चूहों पर की गई। ये स्टडी लिपिड रिसर्च जर्नल में छपी है। इस स्टडी में शोधकर्ताओं ने जिन चूहों को बीटा कैरोटीन दिया, उनके भी कोलेस्ट्रॉल स्तर में कमी आई। स्टडी के अनुसार जिन चूहों को बीटा कैरोटीन दिया गया, वो एथेरोस्क्लेरोसिस के खिलाफ ज़्यादा सुरक्षित पाए गए। बता दें कि 50% आबादी के शरीर में BCON एंजाइम कम सक्रिय होता है। इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग को प्लांट बेस्ड डाइट से विटामिन ए कम मात्रा में मिल रहा है और इन लोगों को अपनी डाइट में दूध और चीज़ जैसी एनिमल बेस्ड फूड शामिल करनी चाहिए। अगर आप विटामिन ए की भरपाई के लिए गाजर खा रहे हैं, तो इस पर निर्भर रहने की बजाय अपनी डाइट में विटामिन ए की और भी चीज़ें शामिल करें।